और अब आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर की जानिब से भी तनकीद के खूब निश्तर चलाए गए और कहा कि एहतजाज नून लीग के बस की बात नहीं, जो करना है कर लें, हम कंटेनर्स और खाना भी देंगे। जबकि सीनियर सूबाई वजीर की अपोजिशन को पेशकश भी की गई कि कहा बताइए कि 10 साल में हमने कितने कब्जे किए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर की अपोजिशन को पेशकश हुई, पेशकश यही है कि जो करना है कर लें, अगर आप धरना देना चाहते हैं तो धरना दें, हम कंटेनर और खाना फराहम करेंगे। खान पे आपने बुलाए, लेके आए अगली दफ़ा, और आइंदा अगर ना लेके आए तो फिर थोड़े से शर्म भी करें साथ। बताएं कितने मुकदमे अलीम खान पे कब्जे के, और आपने 10 साल में कितने कब्जे की अलीम खान ने जो किए हैं, वो जाके सारी प्रेस को मैं कहता हूँ साथ लेके जाए। और हमजा शहबाज, अगर तुमने ना किया, ठीक है, एक तो मैं तुम्हारे खिलाफ अब केस करूँगा, मुझे जाके वो ज़मीनें सारी प्रेस को जाके सारे के सारा मीडिया जाए और जाके वो कब्जों वाली ज़मीनें दिखाए हमजा शहबाज जो अलीम खान ने कब्जा किया, वो तमाम FIRें लेके आए जो पिछले 10 साल में अलीम खान के खिलाफ कब्ज़ों के ऊपर हुई हैं। और जब तुम वजीर आला थे, 10 साल तक तुम यहाँ के मालिक थे, तुम बताओ कितनी FIRें थी अलीम खान के ऊपर, तुमने क्या किया अलीम खान के खिलाफ? आज तुम आगे किस ढिटाई के साथ अलीम खान पे इल्ज़ाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 10 साल तक तुम हुकूमत करते रहे और आज आके तुम कहते हो जनाब कब्जे किस वक्त कब्जे किए, ये 1.5 महीने में कब्जे कर लिए हैं, ये 10 साल में कब्जे किए थे ना, तो उस वक्त तुम किधर थे और क्या तुम मेरे साथ मिलकर कब्जे करते थे? अपना तो जवाब दो। ये जो पैरागॉन सिटी में सरकारी ज़मीन है, ये अलीम खान ने कब्जा की है? ये जो LDA सिटी के अंदर स्कैम है, ये अलीम खान ने किया? इसके अंदर जो 6-6 कंपनियां बनाई गई हैं, उन 6 कंपनियों के मालिक कौन है, उनके साथ कौन मिला हुआ था? हमजा शहबाज तुम जवाब दो। ये जो ज़मीनें एक्वायर हो रही थी और उसके पीछे फाइलें इशू हो रही थी और वो वहाँ पे ज़मीन है ही कोई नहीं, वो आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती कभी, ये LDA सिटी अगले 50 साल भी नहीं बन सकती, कौन जवाब दे है? किसने ली है वो ज़मीनें? कौन कौन उसमें पैरागॉन इन्वॉल्व है या नहीं? तुम्हारा क्या ताल्लुक था उसमें? ये सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। आगे पीछे छुप के ये परवेज अलाई के खिलाफ तुमने आज बातें की हैं, 10 साल तक परवेज अलाई तो यही था, कितने मुकदमे बनाए परवेज अलाई पे, क्यों नहीं पकड़ा परवेज अलाई को? अगर तुमने उस वक्त